मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के रखी है लेग फिक्स के ऊपर और उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। अगर इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका लेग फिक्स नहीं होता है तो मैं आज का वीडियो आपके लिए ही लाया हूँ जिसमें आपका अल्टीमेट लेग फिक्स हो जाएगा। लेकिन इस लेग फिक्स को करने के लिए आपको MB भी चाहिएगी, नेट डाटा चाहिएगा आपका, और आपको टाइम भी चाहिएगा और थोड़ा रिस्क लेने का दम भी चाहिएगा। और आप सचमुच में अपना लेग फिक्स करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार बिना स्किप करे देख लीजिए। मैं एक ही वीडियो बताऊंगा, इसमें मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, बिना स्किप करे देख लेना। इसको मोबाइल रोटेट करके रख दीजिए। अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो आप पावर मैनेजमेंट वाली प्रोसेस को आप मिस कर देते हो, वो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है और 10 सेकंड के अंदर मैं उसको बता देता हूँ, तो इसमें आप स्किप कर देते हो वो मेन 10 सेकंड। आज कुछ भी स्किप मत करना और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग भी पीसी में नए पीसी प्लेयर है तो उनके लिए मैं बिगिनर टू एडवांस फुल कोर्स यानी कि उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप फ्री फायर डे वन से लेकर जब तक प्रो नहीं बन जाते तब तक के सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। एक बार हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ जाता है तो हमारे कंटेंट को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना किसी देरी को हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चीज को करने के लिए आपको जिगरा चाहिएगा, इसलिए आपको चले जाना आपके पीसी में और वहां पर लिख देना रीसेट दिस पीसी। अब आप कैसे ही करो, आपको इसको रीसेट कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कीप माई फाइल को भी आप कर सकते हो और रिमूव एवरीथिंग को भी कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा रिमूव एवरीथिंग करो, तो गलती से मैंने कर दिया था, मैंने ऑलरेडी इसको रीसेट करके रखा। आप आपके फाइल को डाटा को जहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हो वहाँ पर एक बार ट्रांसफर करके इसको रीसेट मार लेना। मैं आपके पीसी को रीसेट करने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मेरा चैनल हैक हो गया था। तो मेरा जो चैनल हैक हुआ था तो मेरे को लगा मेरे इसमें कुछ वायरस प्रेजेंट होगा इसलिए मेरा चैनल हैक हुआ, तो मैंने मेरे पीसी को पूरा ही रीसेट मारा था एक बार। तो मेरे पीसी के अंदर जो भी वायरस होगा वो निकल जाएगा, तो मैंने इसको पूरा ही फॉर्मेट मार दिया था, मेरे इसमें कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद जो भी मैंने रिजल्ट देखा, मतलब जो भी मैंने चीज ट्राई करी, और तो मेरे FPS में पहले 30-45 FPS तक आते थे, अभी मेरे 80 FPS तक जाते हैं। इसी को रिसेट करने के बाद मैंने कुछ सेटिंग अप्लाई की थी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटिंग प्रीवियसली मेरे बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर को पता होगी, लेकिन जब आप पीसी को रिसेट कर लेते हैं उसके बाद आपको ये सेटिंग वापस से अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी वो सेटिंग भी चेंजेस हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक आई बटन पे एक वीडियो दे दूंगा, तो एक बार वो आई बटन वाले वीडियो जाकर चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया कि आपको इमुलेटर का कौन सा वाला बेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लूस्टैक्स है तो ब्लूस्टैक्स का कौन सा वाला वर्जन आपको बेस्ट रहेगा। इसलिए पहले आई बटन वाला वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो फिर से कंटिन्यू करना। और जिनको आई बटन का नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर वापस लिखना है पावर प्लान, ठीक है। आपके सर्च में मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया तो आपको यहाँ पर लिखना है पावर प्लान, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडिट और पावर प्लान और चूज अ पावर प्लान, तो आपको चूज अ पावर प्लान पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी हाई गेमिंग बना के रखा है, लेकिन आपको नया बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट अ पावर प्लान पर क्लिक करना है। ये सेटिंग बहुत सारे को पहले पता थी इसलिए मैं आपको लाइटली बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इसको कैंसिल कर देना है, सॉरी कैंसिल नहीं, इसका प्लान का नाम दे देना है। आपको इसको प्लान का नाम दे देते जैसे मैंने गेम दे दिया, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट होने के बाद जो भी आपने इसका प्लान का नाम दिया उस प्लान नेम के आगे चेंज प्लान सेटिंग ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको चेंज प्लान सेटिंग पर क्लिक करना है, जो भी आपने प्लान बनाया उसी के सामने करना है। यहाँ पर चेंज एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर साइड में आपको एक देखने को मिल नीचे स्क्रॉल करोगे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, बहुत मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसी को आप स्किप कर दे दो तो यहाँ पर मिनिमम प्रोसेसर स्टेट को आपको 5% रहेगा, तो इसको आपको 100% कर देना है। और सेम इसी तरीके आपको नीचे मैक्सिमम पावर स्टेट देखने को मिलेगा, तो इसको भी एक बार चेक कर लेना कि ये मैक्सिमम स्टेट वाला भी 100 पे है या नहीं है। इतना करने के बाद इसको आपको अप्लाई करके ओके कर देना। देखो मैंने पहले से बना रखा था इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया। इसके बाद आप जब भी गेम खेलो तो आपको आपके लैपटॉप को चार्ज पे लगाकर खेलना है, ठीक है। अभी देखो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा था, मेरा जो 100 एडिशनल प्लान जो मेरा हाई गेमिंग है मेरे को यही प्लान अच्छा लगता है, तो मैं यही प्लान यूज करूंगा क्योंकि सेम टू सेम सेटिंग उसमें मैंने ऐड कर रखी थी। मैं इस पावर प्लान को डिलीट कर देता हूं। ये चीज समझ में नहीं आया हो तो वो मेरा पुराने वीडियो जाके एक बार देख लेना, तो उनमें मैंने इस चीज को बताया हुआ। जो मैंने हाई गेमिंग ऑलरेडी प्लान बना के रखा था तो इसमें मैंने आपको मेजर पावर मैनेजमेंट को 100 पे कर रखा है। देखो 100 पे आपको करना है और आपको लैपटॉप की बैटरी को चार्ज पे लगा के रखना है, मतलब लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर ही गेम करना है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपको कौन सा वाला वर्जन डाउनलोड करना है ब्लूस्टैक्स का, तो वो वाला मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो एक बार आपको उसको चेक कर लेना। उसके बाद आपको आ जाना आपके ब्लूस्टैक्स के अंदर, और ब्लूस्टैक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक मल्टी इंटेंसर वाला ऐसा देखने को मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना। आपको जरूर नहीं है कि आप क्लिक करो या ना करो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका Note 32 bit वाला ब्लूस्टैक्स है या नहीं है। तो ये यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ इस प्रकार से चेक होता है जैसा मैंने बताया आपको। फिर इसके बाद मेरी ब्लूस्टैक्स सेटिंग्स की बात करूँ तो ये मेरा हाई कोर है 4 पे, इनहेंस पे, हाई परफॉर्मेंस से, और फ्रेम रेट मैंने 240 पर सेट कर रखे है इनेबल हाई फ्रेम रेट को ऑन करके। इसके बाद मैं बात करूं मेरी डिस्प्ले सेटिंग की, तो डिस्प्ले सेटिंग का मैंने रिजोल्यूशन लोएस्ट रखा हुआ है 960x540। इसके बाद DPI मैंने कस्टम रखी हुई है और बाकी सब तो कुछ काम की चीज़ है नहीं। इसके बाद ग्राफिक्स की बात करूं तो जो ग्राफिक्स ऑलरेडी इसमें प्री सिलेक्टेड आई थी वही है, मैंने परफॉर्मेंस तो डायरेक्ट एक्स को सिलेक्ट करके देखा था तो उसमें मेरा बहुत ज्यादा लेग हो रहा था, इसलिए मैंने कंपेबिलिटी और ओपन जीएल को ही सिलेक्ट रहने दिया। बाकी इंटरफेस रिमेंडरिंग और ASTC टेक्सचर बीटा भी मेरा नॉर्मल ही है, और प्रीफर्ड GPU यूज है तो मेरा प्रीफर्ड GPU को ठीक है, ऑलरेडी ठीक आया था जो कि मेरा इंटेल
6200 मेरा है तो वो ऑन ही है ऑलरेडी, बाकी ये सब सेटिंग फालतू की है। उसके बाद एक और जो चीज़ आती है वो है हमारे प्रेफरेंस में जाकर, तो जो हमारे प्रेफरेंस में जो हमारा ऐड रहता है, देखो सबसे पहला आता है डिस्कॉर्ड कनेक्ट करके ले लो, तो मैंने इसको बंद करके रखा है क्योंकि ये बैकग्राउंड में आपका डिस्कॉर्ड को कनेक्ट कर देगा अगर आप डिस्कॉर्ड यूज़ करते हो तो। जो ऐड वाला आता है तो मैंने ऐड वाले को भी ऑफ करके रखा है क्योंकि थोड़ा बहुत ऐड चलेगा साइड में तो आपका थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत तो सीपीयू को यूज़ करेगा वो भी। उसके बाद नीचे की सब सेटिंग फालतू है, उन पर आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने जो फोन वाला ऑप्शन आता है तो मैंने फोन वाले भी आसूस आरओजी 2 फोन सेलेक्ट करके रखा है, नेटवर्क प्रोवाइडर में जियो कर रखा है, बाकी ये सब शॉर्टकट वगैरह वगैरह है। यहाँ पर यूजर डाटा है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग है और यहाँ पर है अबाउट। तो अबाउट में मैं आपको बता दूँ मैंने ब्लूस्टेक्स का लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करता हूँ हमेशा, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दिया तो उसमें भी मैंने आपको लेटेस्ट वर्जन के लिए बताया, एक बार वो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को जरूर चेक कर लेना। अब ये सेटिंग जरूर नहीं है गूगल प्ले बीटा वालों के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए सब इमुलेटर के लिए, ब्लूस्टेक्स गूगल प्ले बीटा वगैरह वगैरह सबके लिए। तो इसमें देखो यहाँ पर आपको मैं तो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर हाई एफपीएस करके खेलता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़िए, जैसे स्मूथ ग्राफिक्स पर नॉर्मल एफपीएस में अगर आपका लेग नहीं होता है तो आप उसमें खेल लीजिए, अगर आपका फिर स्मूथ ग्राफिक्स पर जाकर आपको हाई एफपीएस करना है अगर उसमें भी लेग नहीं होता है तो आप उसमें खेल लीजिए थोड़ी देर, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर जाइए, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर हाई एफपीएस चेक करिए, एक एक बार सब चीज़ आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस चीज़ में आपको लेग नहीं होता है। लेकिन याद रखो आपको आपके लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर ही आपको गेमिंग करनी है। फिर उसके बाद आप पीसी को रीसेट करोगे तो आप जैसे ही पीसी को रीसेट करोगे तो आपको सब सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो एक बार आपको आपके टास्क मैनेजर में जाकर आपको टास्क बार में भी चले जाना है, ठीक है, टास्क बार में जाकर आपको टास्क मैनेजर में चले जाना और वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड ऐप आपको देखने को मिलेंगे तो उन सबको डिसेबल कर देना। आपको पता है कि आपने लोगों ने इसको ऑलरेडी डिसेबल करके रखा होगा लेकिन आप उसको रीसेट मारोगे तो ये सब चीज़ वापस से इनेबल हो जाएगी। स्टार्टअप में जाकर आपको जितनी भी चीज़ को इनेबल रहे तो उनको डिसेबल कर देना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात चीज़ की, आपको बहुत ज्यादा एप्स कुछ भी डाउनलोड नहीं करने, इसीलिए हमने रीसेट मारा क्योंकि आपकी जितनी भी टेम्प्रेरी फाइल है, जितनी भी बेकार चीज़ें थी, सबकी सब रीसेट हो जाए। आपको आपका पूरा लैपटॉप को खाली रखना है, जितना भी हो आपका लैपटॉप हो या पीसी उसको खाली रखना है, उसमें कुछ भी ज्यादा चीज़ वगैरह वगैरह कहीं से वायरस चीज़ आप भर लाते हो उसकी मारे भी लेग होता है। पीसी में आप कोई मोड या फिर क्रैक एपीके यूज करते हो उसके कारण भी आपका पीसी स्लो डाउन हो जाता है मेरे हिसाब से, तो इसके बाद आपका लेग फिक्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो मैं नए व्यूअर को बता दूं मैंने एक पूरी फ्री फायर ऑल इमोटेटर लेग फिक्स के ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, वीडियो नहीं प्ले लिस्ट बना के रखी है मैंने, एक पूरी की पूरी ऑल इमोटेटर अल्टीमेट लेग फिक्स की एक पूरी प्ले लिस्ट बन रखी है। तो आप एक एक बार चेक करना, मैं कन्फर्म हूँ कि आपको किसी न किसी वीडियो से तो आपको एक हेल्प मिल ही जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो जिससे आपको फ्री फायर में दिक्कत आ रही हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, हम उस चीज़ का भी सोल्यूशन निकाल के आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और अगर आपको पीसी का बेसिक सब कुछ पता है तो आप हमारी इंटरमीडिएट टू प्रो वाली सीरीज भी देख सकते हो, जिसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल से तो आप जब तक प्रो नहीं बन जाते तब तक के वीडियो भी उस सीरीज में डल रखे, तो उसकी भी एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करना। अगर मैं आपको स्वीट एंड सिंपल भाषा में कहूं तो सबसे पहले आपको आपके पीसी को रीसेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपकी सारी की सारी फाइलें डिलीट हो जाए और उससे आपकी जो भी जंक फाइल है वो भी डिलीट हो जाए। इसके बाद आपको पावर प्लान क्रिएट करना है। पावर प्लान जैसे मैंने बता दिया क्रिएट नहीं होता है तो आप मेरी ओल्ड वीडियो भी जाकर चेक कर लेना, उनमें भी आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके एफपीएस थोड़े बहुत कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको वर्चुअल रैम बढ़ा लेनी है। अब वर्चुअल रैम कैसे बढ़ानी है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो जो बता रखे, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इसके ऊपर, तो आपको एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उस प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा हमको पावर प्लान कैसे बनाना है। या फिर पावर प्लान को तो मैंने इस वीडियो में बता दिया, लेकिन अगर आपको वर्चुअल रैम बढ़ानी है तो वर्चुअल रैम को आपको बढ़ाना कैसे है वो सब मेरे ऑल इमुलेटर लेग फिक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ध्यान रखो थोड़ी तो आपकी पीसी की औकात रहनी चाहिए गेम को चलाने की, उसमें आप 100 MB का भी गेम नहीं खेल सकते और आप चाह रहे हो फ्री फायर पीसी में खेलो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतने, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक बार हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, एक बार हमारे चैनल को विजिट करना, आपको और भी बेहतर वीडियो मिलेंगे। और इसके अलावा आपको और कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमारा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड की लिंक हमारे चैनल के अबाउट में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।